हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी टीजीटी क्लास 4। इसमें हम पढ़ेंगे नाद। ठीक है, नाद जिसका साधारण अर्थ है, नाद का साधारण अर्थ है आवाज। साधारण भाषा में अगर हम नाद को परिभाषित करेंगे तो उसका मीन होगा आवाज। लेकिन संगीत की परिभाषा में जब नाद को डिफाइन करेंगे तो हर आवाज नाद नहीं हो सकती। नाद केवल वह आवाज होगी जो सुनने में मधुर हो, यानी कि जो आवाज, लिख लेते हैं, जो आवाज या ध्वनि, जो आवाज या ध्वनि सुनने में मधुर हो, सुनने में मधुर हो और संगीत के उपयोगी हो और संगीत के काम आने वाली हो, वह आवाज क्या कहलाती है? हमारी नाद। ठीक है, नाद जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम देखें तो हमें अनुमान लग जाएगा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द है ना और दूसरा शब्द है दा। ना और दा से यह मिलकर बना है। ना का अर्थ है नकार और दा से मीन है दकार। ठीक है, नकार का अर्थ है वायु और दकार का अर्थ है अग्नि। ठीक है, जब वायु और अग्नि इन दोनों का संयोग होता है तो क्या बन जाता है? हमारा नाद बन जाता है और उससे जो मधुर ध्वनि निकलेगी वो और संगीत के उपयोगी होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा नाद। ठीक है, मतंकृत बृहदेशी आपने पुस्तक पढ़ी होगी या सुनी, नाम भी सुना होगा कि जो मतंग ने अपनी पुस्तक लिखी है बृहदेशी। ठीक है, उसमें लिखा है नै नादेन बिना गीतम, नै नादेन बिना गीतम, नै नादेन बिना स्वराह। नै नादेन बिना ज्ञानम और नै नादेन बिना शिवा। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में अनुवाद हम करेंगे नै नादेन बिना गीतम, यानी कि नाद के बिना, यानी कि आवाज के बिना गीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी हम गीत गाएंगे या कोई भी भजन गाएंगे, कोई भी हम फिल्मी सॉन्ग गाएंगे, बिना आवाज के तो वो उत्पन्न होगा ही नहीं। तो नाद के बिना गीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नाद के बिना स्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमारे स्वर तब तक नहीं उत्पन्न होंगे जब तक हम कोई आवाज नहीं निकालेंगे। न नाद के बिना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम और न ही नाद के बिना हमें भगवान मिल सकते हैं या कल्याण हो सकता है, उसके लिए भी हमें भगवान की पूजा करनी होगी। तो नाद यानी कि स्वर का, यानी कि आवाज का होना हमारा बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाद के प्रकार। नाद के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नाद के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बता देंगे नाद के प्रकार दो होते हैं। नंबर एक होता है आहत नाद, आहत नाद, और दूसरा होता है अनाहत नाद। ठीक है, दो नाद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद जो होता है इसका संगीत से सीधा संबंध होता है, यानी से संगीत से इसका संबंध होता है, यानी कि इसके अंतर्गत, इस नाद के अंतर्गत जो भी वस्तु, जो भी आवाज आएगी वो संगीत से रिलेटेड होगी, यानी कि वह आवाज कर्कश नहीं होगी बल्कि वह आवाज मधुर होगी। जो भी आवाज मधुर होती है वो संगीत से रिलेटेड होती है, तो ये आहत नाद संगीत से संबंध रखता है। इसमें किस तरह से हमारी चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई वस्तु में वायु प्रवेश करे या एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु पर आघात करें, जैसे हम एक वस्तु पर आघात करें तो वो क्या बन जाएगा हमारे, जैसे तबला है उसमें हम आघात करके बजाते हैं तो वो ध्वनि भी आहत नाद के अंतर्गत आएगी। दूसरा, अगर किसी वस्तु में वायु प्रवेश करके हम उसे बजाए, जैसे बांसुरी है, हारमोनियम है, वो भी हमारे आहत नाद के अंतर्गत आएगी। या किसी वस्तु से, वस्तु को रगड़ के द्वारा बजाएं, जैसे हमारा मंजीरा है, चिमटा है, ये सब भी
आहत नाद की, यानी कि जो भी संगीत उपयोगी आवाज है वह आहत नाद के अंतर्गत आती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि नाद के प्रकारों में जो संगीत से रिलेटेड नाद है वो कौन सा है, तो वो है आहत नाद। ठीक है, आहत नाद किससे पैदा होता है, संघर्ष से पैदा होता है, यानी कि जब हम कोई संघर्ष करेंगे या ना कोई रगड़ करेंगे तभी ये पैदा होगा। आहत का मतलब आहत, आहत करना, किसी चीज को आहत करना। ठीक है, अनाहत नाद का संबंध संगीत से नहीं होता है। ठीक है, ये वह नाद होता है, वह आवाज होती है जो अपने आप ही स्वयं ही प्रकट हो जाती है, यानी कि इसके उत्पन्न होने का कोई खास कारण नहीं होता, यह अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए अगर हम अपने दोनों कान बंद करते हैं तो हमें साई साई की ध्वनि अपने आप ही सुनाई देती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनाहत नाद। जो अनाहत नाद है इसका संबंध ऋषि मुनियों से, जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनि थे उनका संबंध अनाहत नाद से माना जाता है, और प्राचीन ऋषि मुनि ही अनाहत नाद की पूजा करते थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अनाहत नाद का संबंध किससे होता है, तो अनाहत नाद का संबंध ऋषि मुनियों से माना जाता है, और प्राचीन ऋषि मुनि अनाहत नाद की पूजा करते थे। इनके यानी कि समझ लें कि अनाहत नाद के उत्पन्न होने का कोई खास कारण नहीं है, अपने आप ही आवाज आती है। दूसरी आहत नाद का संबंध संगीत से होता है। ठीक है, तो ये हमारा नाद इन ब्रीफ में मैंने आपको समझाया है एज ए डेमो। अगर आप भी हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए 8299226960 पर हमें कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप टीजीटी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करिए एंट्री टीजीटी म्यूजिक, और पीजीटी की ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंट्री पीजीटी म्यूजिक से मैसेज करके हमें कन्वे करिए। और अगर मैं ये क्लासेस सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल के माध्यम से लूंगी, सीपी सर का एक चैनल अभी उन्होंने बनाया है सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से, आप उसे डाउनलोड करेंगे और वहां से आपको सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी। हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन कराइए और हमारी क्लासों को ज्वाइन करिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जो ये विज्ञापन निकलेगा इसमें आप अवश्य संगीत शिक्षक बन पाएंगे। धन्यवाद।